अब कहीं बटेगा नहीं वोट, अब पड़ेगा तो सिर्फ ओवैसी साहब को वोट पड़ेगा। अगर वोट देना चाहिए सही से तो सिर्फ AMIM को, मतलब ओवैसी साहब को, बस पतंग के अलावा कुछ नहीं है। बीजेपी का आदमी है बता रहे हैं लोग, बताने दो। ऐसे तो शाहरुख खान मेरा आदमी है, और क्या करेंगे इसके लिए। पतंग ये आदमी सही है, बाकी सब नेचर बेकार है। वोट हम उसी को देंगे, कुरेशी को। ओवैसी को आने वाले नगर निगम के चुनाव में क्या सोच रहे हैं आप लोग? ये पतंग चलेगी। पतंग जो है आपकी इरादा अपना बनाया है ओवैसी को? अच्छा, इरादा ओवैसी बनाए हैं आप लोग। आज हम तो नूर आलम को देंगे और इन्हें को जिताना है। नूर आलम किस पार्टी से? ये MSI जो है ना वैसी, उन्हीं को जिताना आपकी। अच्छा, असदुद्दीन अवैसी। अवैसी के लिए हम लोग ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अवैसी। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद सैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। कानपुर में मौजूद हूं और कानपुर का माहौल क्या है, नगर निगम चुनाव को मद्देनजर किस तरीके से जनता सोच रही है, ये बात जानने के लिए हम धरातल पर मौजूद हैं। डायरेक्ट जनता से बात कर रहे हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं, चलता फिरता रोड देख सकते हैं, आवन गवन जो है वो लगातार आपको देखने को मिलेगा। इधर हम आपको लेकर चलते हैं, सवाल पूछते हैं, क्या हालचाल है? ठीक है, क्या चल रहा है आज के चुनाव में? नगर निगम का चुनाव सर पे है, लोग मेयर पार्षद चुनने के कयास में लगाए हुए हैं, कयास में लगे हुए हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं, चुनावों का, चुनाव के टाइम वोट दिया जाएगा। किसको? जो अच्छा काम करेगा उसको दिया। कौन कर रहा है अभी तक? अभी तक तो जो है पार्षद में जो है सिब्बू है, राशिद महमूद, बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया काम कर रहे, फर्स्ट क्लास आया है। मतलब राजा, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब ठीक है। हाँ ठीक है। यहाँ लोग चुनाव में, चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं? चुनाव के बारे में ये कुरेशी पतंग, ये आदमी सही है, बाकी सब नेचर बेकार है। वैसे ठीक है, बाकी सब सही है। कोई जाओ घर पे मिलेंगे नहीं, कोई काम पड़ा घर पे मिलेंगे नहीं। ये तो बता रहा भैया, अभी चले गए, वो कह रहे थे कि अरे वो ऐसे ही बता। तो जब वोट हम उसी को देंगे जो मेरा काम करेगा, परेशानी भी जाएंगे वो हमारी मदद करेंगे। अब ऐसी मदद करेंगे, वोट हम उसी को देंगे। क्या हालचाल है भैया? ये अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं क्या सोच रहे हैं नगर निगम चुनाव को मद्देनजर रखते हुए? चुनाव को मद्देनजर ये रखना हुआ, ये रोड देखिए आप, बहुत क्राउड है, पब्लिक जा नहीं पा रही है। प्लस चुनाव का दिन है, लोग काम तो कर रहे हैं बट उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह से होना चाहिए। आपको खुद पता है इतना क्राउड है यहाँ पे, लोग काम उस तरह से नहीं कर रहे हैं। यानी सीधे बताइए, इरादा क्या है? इरादा क्या है? चुनाव से पहले तो वोट मांग रहे हैं, हम कल वोटर आईडी बनवाने गए थे तो उन्होंने बिल्कुल मतलब अपने बुलाया और चाय पानी पिलाई और कहने लगे आपका काम हो जाएगा, बट इससे पहले कोई दिखाई नहीं देता, कोई मिलता ही नहीं है, इतनी की बात तो दूर। कौन है? कांग्रेस, बीजेपी, सपा, कौन? वैसे तो हमारे हिसाब से बीजेपी ठीक है, क्योंकि वैसे भी हमें 2000 का सिलेंडर लेना है और ऐसे भी 2000 का लेना है, तो इसलिए बीजेपी ठीक है। मतलब भिगो के मार रहे हैं क्या? भिगो के मार ही रहे हैं, आप देख तो रहे हैं, मुद्दा ही क्या है? ज्ञानवादी का मुद्दा ले लीजिए, या फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा ले लीजिए, या फिर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ले लीजिए, भिगो के मार रहे हो। जी जी, बस यही है, बीजेपी तो मार ही रही, हम तो सोचे और मारे, 10-12 साल तक के मारते रहे यार, गजब लेंगे। चाचा क्या हाल चाल है? फर्स्ट क्लास है। आप बोलिए, आने वाले नगर निगम के चुनाव में क्या सोच रहे हैं आप लोग? बस हम तो नूर आलम को देंगे और इन्हीं को जिताना है। नूर आलम किस पार्टी से? ये MSI जो है ना वैसी, उन्हीं को जिताना आपकी। अच्छा, असदुद्दीन अवैसी, इसलिए इनको भी एक दफे देख लें, सबको तो देखा हमने 70 साल से, अब इनको भी देख लें। आप सुनती हैं अवैसी को? जी सही है अवैसी। जी सही है। अवैसी सही है क्या? जी। क्या दिखा उनके अंदर, अवैसी के अंदर क्या दिखा? ये नहीं बता सकते, मुझे पूछिए। बस सिर्फ जी जी कर लिया। क्या कह रहे हैं? अच्छे इंसान है। अच्छा, अच्छे इंसान है। चलिए हम आपको दूसरी तरफ लेकर चलते हैं। क्या हाल चाल है भैया? ठीक है भाई। आने वाले नगर निगम के चुनाव में क्या सोच रहे हैं आप लोग? ये पतंग चलेगी। पतंग डायरेक्ट कुछ और बताओ कि आपके यहाँ साफ सफाई है कि नहीं? सफाई सब आप देख ही रहे हैं, कैसी है, आप तो देख ही रहे ना, इसीलिए पतंग के ऊपर इरादा बन गया है भाई। उस अपने क्षेत्र के, अपने वार्ड के अपने भाई हैं, नूर आलम भाई। डायरेक्ट नूर आलम?
भाई आप बताओ, ये तो कुछ भी कहते, कलेजी बेचते बेचते लग रहा खुद का कलेजा बेचने लगे हैं। नहीं भाई, कलेजा का है भाई बेचेगा मेरा, तो ये नूर आलम को बता रहे हैं। हाँ तो जो है जो काम क्षेत्र का करा, अब जो करा रहा है धीमे धीमे, तो उसी का तो इंसान नाम बताएगा। अच्छा, हमारे कैमरे ज्यादातर लोग अवैसी का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं अवैसी अच्छे लीडर है, अच्छे बोलते हैं। हाँ वो तो बात सही है, वो भी अच्छे लीडर है, अच्छा ही बोलते हैं। क्या हालचाल है जी? हम लोग तो कारोबारी लोग हैं, लेकिन जो है आपकी इरादा अपना बनाया है अवैसी से। अच्छा, इरादा अवैसी बनाए हैं, अवैसी में क्या खासियत दिख रहा है? खासियत ये है कि वो कुछ आएंगे तो कुछ अच्छा काम करेंगे, जैसा कि जनता विकास चाहती है और जिस तरीके से यहाँ पर विकास होगा। अवैसी कैसे विकास करेंगे? इसलिए कि जो क्षेत्र से उनकी पार्टी से जो खड़ा हुआ है, वो पार्टी उनको कायदे से जो है मतलब करवाएगी काम, तो वो फिर काम करेंगे। क्या इरादा बनाए नगर निगम के चुनाव में आप लोग? देखो भाई, अवैसी के लिए हम लोग ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अवैसी अवैसी, अरे कुछ और बताओ, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काम हो कहाँ रहा है, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ईमानदारी से बतावे, ईमानदारी से बतवा रहे हैं, ईमानदारी से बताएं, ये झूठ बता रहे थे क्या? नहीं, झूठ से भाई हमारे भाई, वोट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर वोट देना चाहिए सही से तो सिर्फ AMIM को, मतलब ओवैसी साहब को, बस पतंग के अलावा कुछ नहीं है। तुम तो ऐसा बोले जैसा हमें लगा कि आप मोदी का नाम डायरेक्ट ले लोगे, इससे हम गाय के लिए ले लेंगे, हम तो कभी नहीं लेंगे। अच्छा ठीक ठीक, अवैसी को भी लोग बीजेपी का ही आदमी मानते हैं, वो जो कह रहे उनको कहने दीजिए, इसीलिए आप डायरेक्ट बीजेपी का नाम ना लेकर MIM का। किसी को नहीं कह रहे, हम अपनी हम अपने सिस्टम को देख रहे हैं, हमको जिसको जिताना है हम उसको जिता के रहेंगे। अब कहीं बटेगा नहीं वोट, अब पड़ेगा तो सिर्फ ओवैसी साहब को वोट पड़ेगा, हम भी देंगे, ऐसा नहीं, वो हमारा भाई वो भी देगा, बीजेपी का आदमी है बता रहे हैं लोग, बताने दो। ऐसे तो शाहरुख खान मेरा आदमी है, और क्या करेंगे इसके लिए? शाहरुख खान आपका आदमी, और क्या, मुंह से कहने में क्या जाता है भाई, कह दो शाहरुख खान मेरा आदमी और ओवैसी साहब बीजेपी के आदमी है, तो इलेक्शन है, आदमी सब कुछ कहता रही। देश को बांटते हैं, आरोप लगते हैं उनके ऊपर और अवैसी के ऊपर। ऐसे आप देख लो 14 के बाद कितना बढ़ गया देश, इतनी नफरत कभी जिंदगी में थी? तो कह रहे हैं 14 के बाद जो अवैसी आए हैं उससे पहले कहाँ थे? इससे पहले तो मोदी साहब भी नहीं थे ना, 14 के बाद ही उनकी सरकार बनी, इससे पहले तो नहीं थे। यार इन लोगों से जीत पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन बात करेंगे बात करेंगे, अच्छा लग रहा है यार। लेकिन एक बात बताओ, अचानक से MIM पे आप लोग का फोकस कैसे होने लगा? जब सब एक तरफा देख रहे अपना अपना, तो हम भी तो अपना अपना देखेंगे। अब वोटिंग भी तो इसी की होती है, आधा एक तरफ हिंदू हो जाएगा, एक तरफ मुसलमान हो जाता है। अस्सी बनाम 20 का अब नारा दे दिया गया, अब नारा है तो उसको उसको पूरा करेंगे नारा, 80 बनाम 20, तब तो बीजेपी जीत जाएगी, जीत जाए, हमें उससे लेना देना नहीं ना, तो 80 बनाम 20 है तो 20-20 में रहने दो, 80 में नहीं, मतलब 20 तो समाजवादी बसपा कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा मैं, सिर्फ अगर वोट दूंगा सिर्फ पतंग को और किसी को नहीं, और हर मुसलमान को ये करना चाहिए। सही बात, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहे भैया? बाकी अल्लाह मालिक, अल्लाह सब कराने वाला। नहीं, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लेकर आए? वक्त ने सब दिखा दिया है, और वक्त ही सब कुछ दिखाएगा। ये भड़काऊ भाईजान हैं, आरोप उनके ऊपर लगते हैं, आप थोड़ा समझिए। भड़काऊ भाईजान वो है असदुद्दीन अवैसी, आरोप लगते हैं, थोड़ा समझिए, देश बट जाएगा। आप दिल्ली में आपने देखा है, हम खैर उनका नाम नहीं जानते, दिल्ली में जो विधायक है सांसद हैं उनका नाम हमने, वो बड़ा अच्छा बोलते हैं क्या, कभी उनकी स्पीच सुनिएगा आप, तब आपको एहसास होगा कि वो खराब बोलते हैं कि वो बोलते हैं, और जो बोलेगा पहले पकड़ा वही जाएगा। जैसे दाल भात वैसे उनकी फातिया, कानपुर के लोग भौकाल मार के जाएंगे, लेकिन ये कुछ भी कहें आप बताओ क्या कहते हो? लोग कहते हैं पहले मोदी चाय बेचता था ना, लोग कहते हैं, लेकिन देखा चलो थे, लेकिन देखा बताओ, छोड़ो यार चाय और बिस्किट, जो बेच रहा है वो कौन दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहा है। हाँ इरादा बताओ यार, नगर इरादा भाजपा बनाना हो गया तो कौन कैसे जिताओगे? दोस्तों से उठ जाएगा, अभी उसको जाएंगे, मैं बता रहा हूँ भाई, उसको जिताओ तो जाएंगे। अच्छा भाई, आपका क्या इरादा? किस बारे में? नगर निगम में किसे आप चुनना चाहेंगे, किस पार्टी को? कांग्रेस को। कांग्रेस को? कांग्रेस में सब कुछ अच्छा दिख रहा है? हाँ, हमारे पुराने लोग हैं, पुराने
घर के लोग हैं हमारे, गांधी जी परिवार के लोग हैं, गांधी जी के परिवार के लोग हैं, वही देश को चला भी सकते हैं, बाकी कोई नहीं चला सकता। इन लोग को कौन बताया, चले गए भाग गए ना, उनसे पूछते हम। 10 साल चला रहे हैं कुत्ता, 10 साल चला रहे हैं, कैसे लोग चला रहे हैं आप बताइए ना, आप तो मीडिया तो कांग्रेस ही सही है। नहीं नहीं, ये सही है आपके समझ से, आपके समझ सही, 400 का सिलेंडर 1100 का बिक रहा, 1200 का, ये लोग सही है यार। ये नगर निगम के चुनाव में कहां सिलेंडर, तो फिर आप बीजेपी उसकी बात क्यों करते हो? क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने लड़ेंगी, चाहे निर्दलीय लड़े चाहे कोई लड़े, उसमें बीजेपी कांग्रेस का एजेंडा कहां से आता है। बड़ा अच्छा लगा बात करके कानपुर की जनता से, और कानपुर का माहौल जानने की कोशिश की हमने, चौराहे पर मौजूद थे, लोगों के मन की बात है, कौन क्या कहता है वो आपने सुनी लिया होगा। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में राय दीजिए, जुड़े रहें और देखते रहें 24 तक न्यूज। कैमरामैन अभिजीत के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, कानपुर।